नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन पे बहुत ही जान लगा दी इसको निकालने के लिए कि मुझे कोई भी फॉर्मूला आपको ना समझाना पड़े और आप कंसेप्ट समझ जाएं और आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे। अब मैं दो शेप बनाने जा रही हूँ, उससे मैं आपको समझा दूंगी डायगनल कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे मैं एक शेप बना दे रही हूँ ये, और यहाँ पे एक बना दे रही हूँ ये। फॉर्मूला समझाने के लिए ये दो शेप बना रही हूं। अब यहां पे देखिए फाइव साइड्स हैं और यहां 1 2 3 4 5 6 7 यहां साइड 7 है आपकी। अब मैं डायगनल बनाना शुरू कर रही हूं यहां से। चलिए 1 2 ठीक है, यहां कितनी हो गई 2। अब यहां से शुरू करिए 1 2, यहां भी 2 डायगनल ठीक। अब यहां से देखिए यहां एक ऑलरेडी बन गया है, यहां कितना बनेगा 1 डायगनल और यहां 0, यहां 0। अब इनको काउंट करिए कितने हो गए, 2 + 2 + 1 कितना आया 5 डायगनल ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 यहां 4 डायगनल। अब इस पॉइंट से चलिए 1 2 3 4 अगेन 4 डायगनल दो पॉइंट पे। अब यहां से देखिए यहां एक डायगनल ऑलरेडी बन गया है 1 2 3 यहां 3 डायगनल। अब यहां पे देखिए दो डायगनल ऑलरेडी बन गए हैं 1 2 यहां कितने हो गए 2 डायगनल। अब यहां देखिए यहां 3 डायगनल ऑलरेडी बन गए हैं 1 डायगनल और यहां सारे के सारे बन गए 0 0। अब यहां पे डायगनल कितने हो गए देखिए 4 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया ये 4 + 4 8 है ना। ये देखिए 4 एक सीरीज आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि यहां पे देखिए क्या बन रहा है एग्जैक्ट बन रहा है। इसी तरह से कोई भी आप शेप बनाएंगे तो उसमें जो होगा इस तरह से सीरीज बनेगी। अब ये जो 2 है ये 4 है इसका इससे क्या रिलेशन है ये मैं समझा देती हूँ। ये देखिए ये जो 5 साइड्स हैं आपकी 5 साइड्स में -3 करेंगे वहीं से ये शुरू हो रहा है। यहां पे देखिए 7 - 3 शुरू करेंगे 4 शुरू हो रहा है। इसी तरह से अगर 10 साइड्स का कोई पॉलीगन होगा तो 10 - 3 आप कर लीजिए 7, तो 7 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इतने उसके डायगनल, यही पैटर्न डायगनल में चलेगा जितने भी पॉलीगन्स हो गए। अब इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको समझाती हूँ। अगर क्वेश्चन में दे दिया 26 साइड्स हैं तो बताइए कि नंबर ऑफ डायगनल्स कितने होंगे ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगनल्स पता करने आपको क्या करेंगे, आप सीधा ये जो साइड्स दिए ना 26 को -3 कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका 23। अब 23 + 23 का ये पूरा नेचुरल नंबर वाली सीरीज चली जाएगी ना, प्लस 22 + 21 + इस तरह से ये कहां तक जाएगी 1 तक जाएगी, यही होंगे आपके नंबर ऑफ डायगनल्स। अब आपको याद होगा इसका फॉर्मूला क्या था, नेचुरल नंबर के सीरीज का फॉर्मूला क्या था, ये इसको 23 ऐसे लिख दीजिए आप। अब यहां चलिए ये इसका फॉर्मूला क्या था, ये था आपका अगर एन की सीरीज है तो n n + 1/2 बस यही फॉर्मूला आप लगा दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 23 + 1/2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 23 + 23 × 24/2 ये हो जाएगा 12। अब इसको चाहे तो आप 23 23 कॉमन ले लीजिए बाहर। अब ये 1 + 12 ये 23 × आपका 13, तो कितना बचा 13 3 = 39 3 13 2 = 26 29 299 आपके डायगनल्स बनेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो पे इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई भी फॉर्मूला आपको समझाऊं, आपको कंसेप्ट समझा दूं कैसे ये काम कर रहा है। आप देख रहे हैं पहले दो पॉइंट्स जो होंगे वहां पे सेम नंबर ऑफ डायगनल चल रहे हैं, -3 पे जितनी साइड्स होंगी उससे, क्यों, क्योंकि आपको पता है एक ट्राइंगल में जो 3 साइड्स होती है उसमें डायगनल जो होते हैं वो डायगनल होते हैं 0 होते हैं, इसीलिए 3 हम माइनस कर लेंगे। उसके बाद जो होगा उसके बाद 4 + 4 वैसे ही सीरीज चलती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर जरूर
शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा ये बोले कि मैथ से मुझे डर लगता है। और डर क्यों लगता है? जब आपको फॉर्मूले रटाना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि जिनको खुद मैथ्स का अच्छा नॉलेज नहीं है वो आपको एक ही तरह की सारी वीडियोस भरी हुई है यूट्यूब पे, आपको फॉर्मूले रटाए जाते हैं। जिन्होंने खुद फॉर्मूले से पढ़ाई की है वो फॉर्मूले ही रटाएंगे, क्योंकि अगर जो कंसेप्ट से पढ़ा होता है वो कंसेप्ट समझाता। तो मैं चाहती हूँ कि आप कंसेप्ट समझिए, मैथ्स का डर निकाल दीजिए, और इस वीडियो को प्लीज बहुत लोगों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।